में 1 जनवरी को आम आदमी पार्टी की होने वाली रैली को लेकर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष नवीन जय हिंद आज अंबाला पहुंचे और कार्यकर्ताओं को न्योता दिया। रैली में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने का निवेदन किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए नवीन जय हिंद ने नोटबंदी पर सरकार को घेरते हुए कहा कि ज्यादातर बीजेपी के नेता नोटों के साथ गिरफ्तार हो रहे हैं और लोगों को लाइन में लगने पर भी 4,000 रुपया नहीं मिल रहा। नोटबंदी के बाद से आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को जमकर भुनाया है। आज अंबाला में पत्रकारों से बात करते हुए आपके हरियाणा अध्यक्ष नवीन जय हिंद ने बीजेपी नेताओं के साथ बैंकों पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि लोगों को लाइन में लगने में पैसा नहीं मिल रहा और बैंकों ने पीछे की खिड़की खोल रखी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। अब तक बीजेपी नेता ही नोटों के साथ ज्यादातर गिरफ्तार हो रहे हैं। पूरे देश के अंदर सारा का सारा आम आदमी, सामान्य आदमी लाइन में खड़ा बैंक के सामने सुबह से शाम तक, सारा देश लाइन में खड़ा कर दिया है। और उस लाइन में जो खड़े हैं वो 4 दिन लाइन में खड़े होने के बावजूद उनको 4,000 रुपए नहीं मिलते हैं, लेकिन बैंकों में खिड़कियां खुली हुई हैं पीछे से। आजाद टीवी न्यूज के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।